नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धू ऑटोमोटिव में। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपकी कार से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार के एसी फिल्टर, या जिसको हम कैबिन फिल्टर बोल देते हैं, उस चीज़ के बारे में कि कैसे आप उसको आसानी से घर पे क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम आपको कुछ आसान स्टेप्स बताएंगे। आज हम आपको मारुति स्विफ्ट डिजायर का वो कैबिन फिल्टर क्लीन करके बताएंगे। मारुति की तो अभी लगभग सभी कार्स का ऐसे ही होता है, लेकिन दूसरी कारों का भी आप थोड़े फर्क के साथ ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इसी विषय के बारे में हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ को निकाल लेना है। इस चीज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको दबा देना है अच्छे से। इसको यहाँ से दबा कर बाहर निकालना है और फिर इसको इस ओर से दबाना है। इस तरह से ये थोड़ी मशक्क़त से बाहर बाहर आ जाएगा। ये आपका पूरा ग्लो बॉक्स है ये। तो उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर आपका ये जो एसी का एयर फिल्टर होता है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक इसके क्लंप होता है, उसको यहाँ से निकाल लेना है दोनों ओर से और ये बाहर आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये आपका एसी का एयर फिल्टर है यहाँ पर। इसको निकाल के हमको क्लीन करना होगा। और ये देखिए, ये आपका एसी का एयर फिल्टर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कार का एसी का एयर फिल्टर है, जो आपकी कार की हवा को साफ़ करता है जो भी आती है। और ये देखिए, ये इस ओर से कितना क्लीन है और ये इस ओर से गंदा हो चुका है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें यहाँ पर काफ़ी डस्ट घुस चुकी है। आपको इसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे होंगे डस्ट के, वैसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया था इसको, लगभग 1-2 महीने पहले। तो इसके कारण अभी ज़्यादा डस्ट में तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी कार को काफ़ी देर तक साफ़ नहीं करते तो ऐसे बड़े बड़े डस्ट के पार्ट इसमें लग जाते हैं, जिसके कारण कि आपकी कार की एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और ब्लोअर के द्वारा हवा भी कम आती है। तो इस चीज़ को अब हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको क्लीन करने के लिए क्या है, एक तो ऐसा है कि इसको अच्छे से जो आपकी हवा वगैरह का प्रेशर होता है उससे क्लीन किया जा सकता है। यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर की भी थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं। अगर जैसे ये कम गंदा है तो ये वैक्यूम से भी साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा गंदा है तो आप इसको चेंज ही कर दीजिए। साल में एक बार तो अवश्य इसे चेंज कीजिए, लेकिन उससे पहले आप इसको हर 2-3 महीने के बाद निकाल कर साफ़ करते रहिए। इससे आपकी गाड़ी का जो एयर का फ्लो है वो अच्छे से बना रहेगा और आपका एसी का जो कूलिंग कोयल है वो भी अच्छी तरह से साफ़ रहेगी और उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कितनी डस्ट निकल रही है इसमें से। ये पूरी की पूरी डस्ट इसी में से निकली है। ये जो आप ये भी देख रहे हैं ना, ये पूरी डस्ट इसमें घुसी हुई थी, क्योंकि जो भी आपकी हवा आती है वो इसमें से होकर गुजरती है और इसमें डस्ट एक तरह से जमा होती रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से क्लीन हो गया। अभी हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है हवा के द्वारा। अब इसको वैसे ही जैसे निकाला था वैसे इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, ये इसके एक तरह से निशान बना होता है यहाँ पे। ये एयर फ्लो आएगा इस ओर से और ये बना है यहाँ पे निशान, ये ऊपर की ओर रहेगा ये हिस्सा, और ये नीचे की ओर यहाँ से आपकी एयर ब्लोअर मोटर लगी है उस ओर से रहेगा, उसका ये एरो का निशान है और ये ऊपर की ओर रहेगा। अभी इसको वैसे ही इंस्टॉल कर देंगे हम। और इसके बाद इसको डालने के बाद ये ऊपर से इसका कवर लगा देंगे। पूरी तरह से नीचे। तो अभी क्या है कि ये जो आपकी ब्लोअर मोटर है, ये मैं आपको स्विफ्ट डिजायर का दिखा रहा हूँ। अब अभी अगर आप और कार में देखेंगे तो किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कारों का यही होता है, ये जो एसी का एयर फिल्टर है। और अभी वैसे ही जैसे इसने हमने इस बॉक्स को निकाला था, ग्लो बॉक्स को, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देना है और उसके बाद इसको जड़ा प्यार से पहले इधर से और फिर इधर से दबा कर
इसको वैसे ही डाल देना है। और ये अच्छे से डल गया है और ये आपका एयर फिल्टर भी क्लीन हो गया और फिर से ग्लू बॉक्स आपका पूरी तरह से फिट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आप कार के कैबिन फिल्टर के बारे में कि आप अपनी कार के एसी फिल्टर या कैबिन फिल्टर को घर पे कैसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।